हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीट डिजाइन्स। आज मैं आपको दिखाऊंगी पिंटेक्स प्लाजो डिजाइन। तो जो पिंटेक्स हमने डालनी है वो प्लाजो की बॉटम पे हम डालेंगे, यानी कि मोरी पे डालेंगे। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपने डिजाइन की अच्छी अच्छी पिक्स डालती रहती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो पिंटेक्स का डिजाइन है समर्स में काफी ट्रेंडी है। पहले भी मैंने आपको एक कुर्ती पे भी पिंटेक्स का डिजाइन दिखाया हुआ, एक सलवार पे के मोरी पे भी दिखाया था। अब मैं आपको प्लाजो की बॉटम पे दिखाने जा रही हूँ वो डिजाइन। तो ये सिर्फ पिंटेक्स के साथ ही मैं रेडी करूंगी ये डिजाइन। तो ये जो मैं आपको डिजाइन दिखाने जा रही हूँ बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। आप कभी भी बना सकते हो, अपने घर पे इजीली बना सकते हो इसको। तो मैंने अपने प्लाजो को सारा रेडी कर लिया है, सिर्फ मोरी को मैंने छोड़ दिया है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जब हमने प्लाजो कट करना है तो उसके पिंटेक्स के लिए हमें लगभग 2 इंच का फैब्रिक ज्यादा कट करना है, यानी कि 2 इंच बढ़ा के हम अपने प्लाजो को कट करेंगे। तो ये जो मैंने कट लगाया है ये हमारा है फोल्डिंग का मार्जिन, फोल्ड हमारा यहां तक हो जाना है। और उसके ऊपर मैंने 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है वो ऊपर वाली साइड में ले रही हूं मैं। तो मैंने ये मार्क लगाया है, लगभग मैंने नीचे से 5.5 इंच ऊपर मार्क लगाया है। ये बिल्कुल मैंने सीधा सीधा मार्क कर लिया है अपने बॉटम पे, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप सबसे पहली वाली जो पिंटेक्स डालेंगे हम वो यहीं से डालेंगे। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो हमें कई बार क्या होगा, हमारा जो ये जो नीचे वाला फैब्रिक है बीच में आ सकता है, इसलिए हम इसको घुमा लेंगे और उल्टा करके डालेंगे अपने पिंटेक्स का डिजाइन। तो ये मैंने उल्टा कर लिया है अपने प्लाजो को और ये उल्टी साइड है। अब हम इसको इस तरीके से जहां हमारी मार्किंग है हमने अपनी मार्किंग को पकड़ना है। तो ये देखिए ऐसे हम अपनी बिल्कुल अपनी मार्किंग को पकड़ते हुए, अगर ऐसे हम मार्क करके लगाएंगे पिंटेक्स तो हमारी बिल्कुल सीधी सीधी पिंटेक्स आएगी। तो इस तरीके से सबसे पहली पिंटेक्स हम इसी लाइन के ऊपर ही डालेंगे। तो ये जो पिंटेक्स मैं डालने जा रही हूँ लगभग एक पैर की मैं लूंगी पिंटेक्स, यानी कि थोड़ी बड़ी पिंटेक्स डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बारीक भी डाल सकते हो। अगर आपने बारीक डालनी है तो आप बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएं। अगर ये मेरे जैसी डालनी है तो आप एक पैर का गैप लेके सिलाई लगाएं। तो ये देखिए मैं एक पैर का गैप लेके सिलाई लगा रही हूं। तो ऐसे मैंने अपनी एक पिंटेक्स डाल दी है। तो अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी इस तरीके से। अब हमने 3 और पिंटेक्स डालनी है लेकिन हमने इससे ऊपर ही डालनी है। तो अब हम यहां से 1/2 इंच का लगभग फैब्रिक लेंगे इस तरीके से और यहां पे भी एक पैर का गैप लेते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये जो सिलाई हमने लगाई है पिंटेक्स वाली, इससे लगभग 1/2 इंच हम फैब्रिक ज्यादा लेंगे इस तरीके से, एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे यहां पे भी। जो हमने पहली वाली पिंटेक्स की सिलाई लगाई है वो तो हमने मार्क करके लगाई है, लेकिन अब जो दूसरी लगाने जा रही हूं तो बिल्कुल हमें ये वाली सिलाई के अकॉर्डिंग बिल्कुल सीधी सीधी लगानी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिलाई से 1/2 इंच हमने फैब्रिक ज्यादा लिया है लेकिन सिलाई हम एक पैर की ही लगाएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं मैंने एक पैर की ही पिंटेक्स दी है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ जाएगी। ऐसे मेरी 2 पिंटेक्स की सिलाइयां लग चुकी हैं, मैंने 2 और लगानी है। वो इसी तरीके से मैं ऊपर की तरफ ऐसे 1/2 इंच का फैब्रिक ज्यादा लेते हुए अपनी पिंटेक्स की सारी सिलाइयां लगा लूंगी। अगर आप अपने अकॉर्डिंग ज्यादा भी लगाना चाहते हो तो आप ज्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन मैं 4 ही लगाऊंगी यहाँ पे। तो ऐसे ये देखिए मैंने 4 पिंटेक्स की सिलाइयां लगा ली हैं। अब हम इसको आयन करेंगे, आयन करके हम इसको इस तरीके से नीचे की तरफ अच्छे से बिठा देंगे। तो ऐसे हमने आयन करके अच्छे से खींच के इसको आयन करना है और अपनी पिंटेक्स की सिलाइयों को बिठा देना है, इससे इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए आयन करने के बाद हमारी ये पिंटेक्स कितनी अच्छी लग रही है। अब हम नीचे की मार्जिन, जितना हमारे पास मार्जिन है हम उसको फोल्ड कर देंगे मोरी को। तो मैंने ये कट लगाया है, मैं इतना मेरे पास फोल्डिंग का मार्जिन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करके यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लूंगी। तो ये देखिए मैंने 1/2 इंच फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे भी किनारे की सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए हमने अपने प्लाजो के बॉटम को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। पीछे से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हमारे प्लाजो में और आगे से भी ये देखिए
कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हुआ है। अब हम यहाँ पे इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये मेरा लूज प्लाजो है, मैंने ये डिजाइन जो है लूज प्लाजो पे बनाया। आप चाहो तो ये पैंट पे भी डिजाइन बना सकते हो। तो अब मैं अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से फोल्ड करने से क्या होता, हमारा बाहर की तरफ ये कोना दिखाई नहीं देता और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो मैंने अपने प्लाजो की जो बॉटम मोरी रखी है वो 15 इंच रखी है। तो अभी मैं आपको सिलाई लगने के बाद इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो पहनने के बाद हमारा ये प्लाजो ऐसे आ जाएगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन हमारा पिंटेक्स के साथ ऐसे रेडी हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीट डिज़ाइंस। थैंक यू।